वाला दे दिया थोड़ा सा इतना सा, और इसको इस तरीके का, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से इसमें या अपने टेस्ट में या फिर इसमें हल्का इसमें जग में थोड़ा सा इसमें जग में एक गिलास और इसमें नींबू पानी और इसमें ठंडा चीज पानी दो इसमें शामिल कर देंगे छोटे टुकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। कमाल की रेसिपी देने लगा हूं, ऑथेंटिक रेसिपी देने लगा हूं। इंडिया का मशहूर लीमू पानी किस तरीके से तैयार किया जाता है, इंडिया की स्ट्रीट फूड में ये बहुत फेमस है और बहुत सेल होता है, लोगों ने इसके स्टॉल लगाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत पिया जाता है। लीमू पानी मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ कमाल का है, टेस्टफुल है। तवज्जो से देखिएगा, दो तरीकों से बनाना बताऊंगा आपको, दोनों तरीकों से टेस्टफुल बनता है। लीमू पानी तैयार करने के लिए हमने ये सबसे पहले पुदीना फ्रेश वाला ले लिया थोड़ा सा इतना सा, और इसको इस तरीके से इमाम दस्ते में डाल दिया। इसको हमने कूट लेना है। इसको कूटने से जो टेस्ट बनेगा वो ग्राइंडर में ग्राइंड करने से या चॉपर में चॉप करने से नहीं बनेगा। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मैं कूट लूँ, हल्का सा पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे लेकिन जरूरत पेश आएगी नहीं। इसको मैं कूट के फिर मैं आपसे देखता हूँ। ये हमने अच्छे तरीके से कूट लिया, पानी डालने की जरूरत पेश नहीं आई, इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ये गिलास इस तरीके से हम सजा लें थोड़े से सर्विंग के लिए, ये इस तरीके से, और ये बड़ा जग लाया मैंने इस तरीके से, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। आइसिंग शुगर, ये देखें, ये आइसिंग शुगर मार्केट से मिल जाती है, अगर आपके पास ये नहीं है चीनी नु पी लो, ठीक हो गया, इसमें ग्राइंडर वाली डब्बी में जो होता है। हाफ टेबल स्पून इसमें या अपने टेस्ट के हिसाब से, हाफ टेबल स्पून इसमें या अपने टेस्ट के हिसाब से, इसमें सब में हाफ हाफ टेबल स्पून गिलासों में जाएगा। जग में 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर हमने शामिल कर दी, साइड कर दें। खुश्क धनिया पाउडर है जी, चस्के है जी, बाबा पा रहे हैं, बस हल्का सा इसमें, 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 ये देखें। काला नमक जो जान है लीमू पानी की, 1/4 टीस्पून जग में, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इन चीज़ों को, कोई मसला नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसमें। सफ़ेद नमक 1/2 टीस्पून इसमें, थोड़ा थोड़ा जा गिलासा दे, सुभान अल्लाह है जी, बन रहे ने ड्रिंक बन रहे ने, इस तरीके से। ज़ीरा पाउडर हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, हल्का सा, ये थोड़ा सा जग में डाल दिया, ठीक हो गया। ये जो हमने पुदीने को हमने इस तरीके से कूटा है, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, ज़रा सा देखें, जग में थोड़ा सा इस गिलास में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशबुआ खुशबुआ हैं जी, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, ठीक हो गया। अब चीज़ें हमने डाल दी, ये मेरे पास वाइट सोडा है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, हल्का सा, हल्का सा, बस हल्का सा, हल्का सा, इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, चिल पानी, ठंडा पानी, ठीक हो गया। डाल सोडा और पानी डालने के बाद हमारे पास लीमू थे, कुछ हमने काट लिए, कुछ का हमने रस ले लिया पहले से, ठीक हो गया, बगैर बीज के। ये 1 टेबल स्पून इसमें लीमू पानी, 1 टेबल स्पून इसमें, 1 टेबल स्पून इसमें, 1 टेबल स्पून इसमें, और ये 3 टेबल स्पून इसमें, ठीक हो गया। लीमू का रस ऐड करके सबसे पहले हम इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि आइसिंग शुगर वगैरह हर चीज़ जो है ना मिक्स हो जाए। आइसिंग शुगर का इस्तेमाल ड्रिंक्स में इसलिए किया जाता है रेस्टोरेंट वगैरह पे या स्ट्रीट फूड में कि ये फ़ौरन हल हो जाती है, ठीक हो गया। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपको उसको अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करना पड़ेगा। हमने मिक्स कर लिया, इसको हम इससे मिक्स कर लेते हैं बड़े चम्मच से, मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा चिल पानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज बर्फ इस तरीके से, और ये हमारे स्लाइस में कटे हुए लीमू
इस तरीके से थोड़ा सा घुमा देंगे इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुदीने के दो तीन पत्तियां इस तरीके से ऊपर, ये हमारा पानी वाला तैयार हो गया। अब हम तैयार करेंगे सोडे के साथ। मैंने पहले आपको बताया मैंने सोडे वाली बोतल के ऊपर एक सुराख किया होता है, उससे प्रेशर से आता है, ठीक हो गया, गल समझ आ गई। इसके अंदर हम नींबू के स्लाइस दो इसमें शामिल कर देंगे, दो इसमें शामिल कर देंगे छोटे छोटे टुकड़े, दो इसमें शामिल कर देंगे, इसमें शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब हम ये जो है ना प्रेशर वाला सोडा इस तरीके से उठाएंगे, देखें चार गिलास हमने सोडे वाले तैयार कर लिए, आइस क्यूब हल्के हल्के, ठीक हो गया। सोडा भी फुल ठंडा था हमारे पास, ये बात भी आपके जहन में रहे। इस तरीके से अब हम इसके ऊपर ये नींबू जो है ये इस तरीके से काटेंगे, कैमरामैन दिखाओ इधर, यहां से इस तरीके से गार्निश के लिए ऐसे लगा देंगे। ये जी गार्निश के नींबू लगा के दो दो पत्तियां पुदीने की ऊपर इस तरीके से गार्निश कर देंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों नींबू पानी अफ्तारी के टाइम पे आप किस तरीके से बना सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनता है, मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी नींबू पानी की जो हमने दोनों तरीकों से बताया, चिल पानी में भी सोडे में भी, अच्छी लगी हो, टेस्टफुल लगी हो, हमें कमेंट बॉक्स में ही बताएं, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।